गुड मॉर्निंग एवरी वन कॉन्टिन्यूंग टॉपिक क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट्स को आप कैसे क्लोज और बैलेंस करते हैं ये जब अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट्स जो होते हैं जब आप इन्हें बैलेंस करते हैं तो इससे आपको ये पता चलता है कि किस पर्सन को किस इंडिविजुअल कस्टमर को आपने कितना अमाउंट देना है या उनसे कितना अमाउंट लेना है मतलब कितना अमाउंट वो आपको ओ करते हैं और कितना अमाउंट आप उनको ओ करते हैं उससे आपको पता चलता है कि वो आपका डेप्टर है या क्रेडिटर है अगर अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है इसका मतलब कि यू ओ अमाउंट फ्रॉम हिम उसने आपको अमाउंट देना है अगर अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब कि आपने उसको अमाउंट देना है देन जो सम है आपका डेबिट साइड का अगर ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो जो डिफरेंस है आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में और उसके आगे वर्ड क्या लिखते हैं आप बाय बैलेंस सीडी और उसके बाद दोनों साइड्स का टोटल करके आप उस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं फिर नेक्स्ट जब मंथ आएगा तो उसके फर्स्ट डे पे उस क्लोजिंग बैलेंस को आप ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं बॉट डाउन करते हैं ओपनिंग एंट्री लिख के बाय वर्ड्स टू बैलेंस बी डी ऑन डेबिट साइड सिमिलरली अगर आपका क्रेडिट साइड जो है उसका सम ज़्यादा है डेबिट साइड से तो जो भी अमाउंट है डिफरेंस का वो लिखा जाएगा डेबिट साइड पे बाय राइटिंग वर्ड टू बैलेंस सी डी और नेक्स्ट दोनों साइड्स का टोटल करके आप उसे क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे पे उस क्लोजिंग बैलेंस को आप ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे ओपनिंग बैलेंस लिख के बाय वर्ड्स बाय बैलेंस बी डी क्रेडिट साइड पे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं जैसे ये कैपिटल अकाउंट है आपका यहाँ पे एंट्री आपने फर्स्ट फेब को लिखी बाय कैश अकाउंट टेन लैख अब एट द एंड ऑफ द मंथ आपने क्लोज करना है अकाउंट तो उसे आपने क्या लिखा टू बैलेंस सी डी अब नेक्स्ट जब मंथ आएगा मार्च जब शुरू होगा तो यहां पर आप इसकी क्रेडिट साइड पर वर्ड लिखेंगे आप बाय बैलेंस बॉट डाउन और ये टेन लाख रुपीस का जो बैलेंस है वो यहां पे शो हो जाएगा और नेक्स्ट मंथ की आप एंट्रीज करेंगे देन सेम तरीके से अब हम एक इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जैसे दीपक का अकाउंट है ये पर्सनल अकाउंट है आपका यहाँ पे आपने एंट्री लिखी बाय कैश की एंट्री है सिक्सटी एट थाउजेंड और टू सेल्स की एंट्री है एट्टी थाउजेंड ये आपको याद होगा ये सेम क्वेश्चन हम फॉलो कर रहे हैं जो हमने जर्नल का जब टॉपिक किया था वहाँ पर जो हमने इलोस्ट्रेशन की थी तो यहाँ पे दोनों साइड्स का जब आप टोटल चेक करते हैं यहाँ एट्टी थाउजेंड है और यहाँ सिक्सटी एट थाउजेंड है दोनों में डिफरेंस है ट्वेल्व थाउजेंड का तो कौन सी साइड का अमाउंट जो ज़्यादा है वो है एट्टी थाउजेंड जो डेबिट साइड है यहाँ अमाउंट ज़्यादा है और क्रेडिट साइड पे आपका कम है तो आपका डेबिट बैलेंस है और डेबिट बैलेंस आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे उसे बाय बैलेंस सीडी करके और जो अमाउंट डिफरेंस है वो क्या है ट्वेल्व थाउजेंड तो दोनों साइड सब आपकी सेम हो गई टोटल दोनों का एट्टी थाउजेंड एंड एटी थाउजेंड नेक्स्ट मंथ में जब आप इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे ये पॉट फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे मार्च वन को टू बैलेंस बी डी पॉट डाउन ट्वेल्व थाउजेंड एंड देन आप उस मंथ की एंट्रीज यहाँ पे लिखेंगे और कई बार जो अकाउंट्स हैं दोनों सेम इक्वल होते हैं दोनों साइड्स वहां पे बैलेंस ऑटोमेटिकली हो जाता है जैसे गुप्ता ट्रेडर्स का अकाउंट है यहाँ का जो डेबिट साइड का टोटल है और जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो दोनों इक्वल है तो दोनों को इक्वल करके आपने अकाउंट्स को क्लोज कर दिया देन आते हैं क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ रियल अकाउंट्स रियल अकाउंट्स में आपके कैश अकाउंट आ जाता है एसेट अकाउंट आ जाता है एंड गुड्स अकाउंट आ जाता है यहाँ पर जो आपका गुड्स अकाउंट है जैसे गुड्स अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है परचेजेस अकाउंट हो गया सेल्स अकाउंट हो गया परचेज रिटर्न अकाउंट हो गया और सेल्स रिटर्न अकाउंट हो गया सेल स्टॉक अकाउंट हो गया ये सारे आपके गुड्स अकाउंट के अंदर आते हैं इन अकाउंट्स को बैलेंस करने का रूल अलग है और जो आपके कैश अकाउंट और एसेट अकाउंट है उनको बैलेंस आप अलग तरीके से करते हैं जो आपके एसेट अकाउंट्स हैं उन्हें आप पर्सनल अकाउंट्स की तरह क्लोज करते हैं अगर एसेट पे कोई डेप्लीशियशन गिवन है तो डेप्लीशन लिख के डिडक्ट करके बैलेंस जो भी होगा डेप्लीशियशन का वो वहाँ शो कर दिया जाता है देन जो आपका कैश अकाउंट है और एसेट अकाउंट है उनका ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है दे ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस और जो आपका गुड्स अकाउंट है उन्हें आप आ, कैसे बैलेंस करते हैं वहाँ पे जब जो भी बैलेंसिंग आप लिखेंगे वहाँ बाय बैलेंस या टू तो बैलेंस टर्म आप यूज नहीं करते हैं आप उन्हें क्लोज करते हैं लिख के बाय ट्रांसफरिंग बैलेंस टू ट्रेडिंग अकाउंट इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं सबसे पहले हम कैश अकाउंट का देखते हैं आ, कैसे इसे बैलेंस किया जाता है ये दोनों साइड्स अमाउंट लिखा आपने तो यहाँ पे जो आपकी डेबिट साइड है उसका टोटल है वन टू सेवन जीरो वन डबल ज़ीरो जबकि क्रेडिट साइड का टोटल कम बनता है तो दोनों साइड को जब बैलेंस कर किया दोनों का डिफरेंस हमने निकाला दोनों का डिफरेंस आया थ्री लाख एटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और बैलेंस करने के लिए हमने इसे लिखा बाय बैलेंस सी फर्नीचर एसेट अकाउंट है हमारा तो टू कैश अकाउंट यहाँ था बैलेंस करने के लिए ट्वेंटी थाउजेंड हो गया अब देखते हैं हम गुड्स की बात जब हम कर रहे हैं तो ये अकाउंट आ गया गुड्स अकाउंट में हो गया आपका इंक्लूड ये तो यहाँ पे देखिए हम इसे जब क्लोज कर रहे हैं टू कैश अकाउंट टू गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट अब इसे क्लोज करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा बाय ट्रेडिंग अकाउंट सिमिलरली सेल्स अकाउंट है आपका तो यहाँ पे आपकी क्रेडिट एंट्री सारी है आपने इसे क्लोज करने के लिए डेबिट साइड पे लिखा तो टू तो ट्रेडिंग अकाउंट थ्री लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड तो जो भी आपके गुड्स अकाउंट के अंदर अकाउंट्स आते हैं सेल्स अकाउंट परचेज अकाउंट परचेज रिटर्न अकाउंट सेल्स रिटर्न अकाउंट और स्टॉक अकाउंट उन्हें हम क्लोज करते हैं उनका बैलेंस जो है ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके Then, आता है हमारा क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट जो भी आपके इनकम और एक्सपेंसिस अकाउंट हैं बिजनेस के उन्हें हम इनक्लूड करते हैं नॉमिनल अकाउंट के इन अकाउंट का कोई भी बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं होता है उसका रीजन ये है कि जब आपने पेमेंट कर दी इन सर्विसेज की तो जो आपने एक्सपेंसिस पे किए हैं उसके लिए सर्विसेज आप रिसीव कर चुके हो तो उसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती इन अकाउंट्स को जब आप क्लोज करते हो तो जो भी एक्सपेंसेस आपके रिलेटेड हैं मैन्युफैक्चरिंग और परचेजिंग से गुड्स की उन्हें हम ट्रांसफ़र करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में और बाय राइटिंग वर्ड बाय ट्रेडिंग अकाउंट उसके क्रेडिट साइड पर और जो भी बाकी सारे एक्सपेंसिज हैं उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और उसको हम क्लोज कैसे करते हैं बाय राइटिंग दर्ड बाई प्रोफे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जिसे हमारा डिस्काउंट अकाउंट है इसे हम क्लोज कैसे कर रहे हैं हमारी हम एंट्री इसमें एक ही एंट्री है गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट 5750 अब इसे हमने क्लोज करना है तो हम यहाँ पे डेबिट साइड में क्या लिख रहे हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो जब हम पी एंड एल अकाउंट अपना बनाएंगे तो वहां पर जो ये बैलेंस है वो ट्रांसफर हो जाएगा देन विजिस अकाउंट है हमारा विजिस अकाउंट हमारा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो इसका जो बैलेंस है हम कैसे बैलेंस uh, नहीं सॉरी इसको क्लोज कैसे हम कर रहे हैं जो भी अमाउंट है बाय ट्रांसफरिंग एटेंट टू दी ट्रेडिंग अकाउंट तो बाय ट्रेडिंग अकाउंट देन नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री आपने पूरे जो आपका ईयर था फाइनेंशियल ईयर था वहाँ पे आपकी सारी ट्रांजैक्शंस हो गई उसके बाद ईयर एंड में जो आपके बैलेंसेस बचे जब नेक्स्ट ईयर आप शुरू करते हो उन बैलेंसेस से शुरू करते हो तो जो लास्ट ईयर की आपकी क्लोजिंग एंट्री होगी क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे उससे वही बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे में आपकी ओपनिंग एंट्री कहलाते हैं तो जो बिजनेस है कंटीन्यूड फ्रॉम पास्ट होता है तो इन द बिगनिंग ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड एक जर्नल एंट्री आप पास करते हो ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए जिसे ओपनिंग एंट्री कहा जाता है इस एंट्री में जो भी आपकी सारी एसेट्स हैं उन्हें डेबिट किया जाता है और जो भी आपकी लाइबलिटीज़ हैं उन्हें क्रेडिट किया जाता है वो अकाउंट्स जिनका डेबिट बैलेंस है ओपनिंग एंट्री में तो जो वर्ड है टू बैलेंस बी डी उनके डेबिट साइड जो है अकाउंट में लिखा होगा लेजर में और वो अकाउंट्स जिनका क्रेडिट बैलेंसेस है वहां पे वर्ड लिखा होगा बाय बैलेंस बी डी क्रेडिट साइड पे वो अकाउंट uh, पे लिखा होगा तो जो ट्रांजैक्शन आपकी अक्कर हो रही है आफ्टर दी ओपनिंग एंट्री इन बिजनेस उनको फर्स्टली आप रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में और उसके बाद लेजर में तो न्यू अकाउंट्स आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इलस्ट्रेशन टू फॉलोइंग बैलेंसेज एग्जिस्टेड इन बुक्स ऑफ सन लिमिटेड ऑन फर्स्ट दिसंबर 2008 आपकी एसेट्स हैं कैश बैंक कंप्यूटर रवि स्टॉक फर्नीचर एंड दीपक एंड लाइबिलिटीज आपकी गिवन है विनोद एंड सन्स के नाम से एंड दिल्ली ट्रेडर्स के नाम से उसके बाद आपकी दिया हुआ है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर टू तो अब हमने क्या करना है इसमें जर्नलाइज द अबव ट्रांजेक्शन पोस्ट दिन टू लेजर एंड फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ दी मंथ ये फुल फ्लेज आपका क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग एंट्री की हम बात कर रहे हैं कि ये बैलेंस हमारा एग्जिस्ट कर रहा था फर्स्ट दिसंबर को देन uh, ये आपकी ओपनिंग एंट्री है तो ओपनिंग एंट्री में जो ये हमारे बैलेंसेस दिए हैं एसेट एसेट्स का हमेशा बैलेंस क्या होता है डेबिट होता है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा स्टॉक अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट कंप्यूटर अकाउंट डेबिट एंड रवि अकाउंट डेबिट और लाइबिलिटीज का बैलेंस आपका क्रेडिट होता है तो टू विनोद एंड एंडसंस टू डेली ट्रेडर्स अब दोनों का जो बैलेंस है दोनों का जो डिफरेंस है ये आपकी अमाउंट है डेबिट साइड की और ये अमाउंट है आपकी क्रेडिट साइड की दोनों में डिफरेंस डिफरेंस है 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 कितने का है? 4, 8, का तो ये जो बैलेंस है वो है हमारा कैपिटल तो टू कैपिटल अकाउंटिंग में बैलेंसिंग फिगर चली गई तो ये था हमारी ओपनिंग एंट्री को आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं देन रेस्ट ऑफ द देशन जो हमने ऊपर जर्नल और लेजर के रोल्स किए उसी तरीके से किए हुए हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज नीड और इम्पॉर्टेंस ऑफ लेजर क्यों ज़रूरत है लेजर की लेजर की ज़रूरत है हमें डिफरेंट इंफॉर्मेश्स के लिए जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी गुड्स हमने ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड परचेज की हैं या कितनी गुड्स हमने सोल्ड की हैं कितना अमाउंट हमें ट्रेडर्स को पे करना है कितना अमाउंट हमें अपने कस्टमर से रिसीव करना है कितना एक्सपेंडिचर हुआ है हमारा डिफरेंट आइटम्स पर हमारी इनकम कितनी हुई है डिफरेंट आइटम से हमारी एसेट लेवलटीज और कैपिटल्स में क्या चेंजेस हुए हैं ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आप जर्नल से नहीं ले सकते जर्नल से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन डराइव तो हो जाएगी लेकिन आपको हर एक पर्टिकुलर के लिए डिफरेंट डिफरेंट Uh, जो डेट्स हैं उनके ऊपर देखना पड़ेगा कि किस डेट को उस पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुई है जबकि सेम चीज़ को अगर हम लेजर फॉर्म में लिख रहे हैं तो उस पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस हमें एक ही जगह मिल जाएगी तो जो लेजर है वो आपकी डिफ़िकल्टी जो है uh, इन गेटिंग द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर आइटम उसे सॉल्व कर देता है जैसे सिंपल सा अगर हम एग्जांपल लें कि जर्नल में आप सारी ट्रांजैक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड कर रहे हो बजाय उसे एक ही जगह रिकॉर्ड करने के तो अगर हमें पता लगाना है कि कितना अमाउंट आपने मोहन से रिसीव किया है तो अगर हम जर्नल के थ्रू देखते हैं तो हमें पूरे जर्नल बुक देखनी पड़ेगी सब्सरी बुक यूज़ कर रहे हैं तो सब्सडी बुक्स को देखना पड़ेगा सेल्स बुक को हमें देखना पड़ेगा कि कितना मोहन को डिफरेंट डेट्स पे हमने सेल्स की है उसके बाद सेल्स रिटर्न बुक को देखना पड़ेगा कितनी सेल्स रिटर्न बुक हुई है कितना अमाउंट उससे रिसीव हुआ है डिफरेंट डेट्स पर उसके लिए कैश बुक को देखना पड़ेगा और उसके बाद हमें अमाउंट ड्यू जो है मोहन से पता चलेगा अगर हम जर्नल को फॉलो कर रहे हैं लेकिन अगर हम लेजर को फॉलो कर रहे हैं तो ये सारी डिफ़िकल्टी हमारी अवॉइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर जो भी सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है एक अकाउंट से रिलेटेड वो आपको एक ही जगह पर मिल जाती है तो अगर ट्रेडर को जानना है कि प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजिशन एट द एंड ऑफ द बिजनेस उसकी क्या कहती है तो वो जो लेजर है उससे ट्रायल बैलेंस बनाएगा और ट्रायल बैलेंस तभी आप बना सकते हो जब आपका लेजर बना हो तो जो लेजर है वो आपके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो लेजर के बगैर इनकम्प्लीट है देन एडवांटेजेस ऑफ लेजर ये जो टॉपिक है हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच